द रूस्टर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं अन्ना नगर जो एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर चेन्नई में, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह मानी जाती है। यहाँ के एमएलए का नाम है मोहन, ठीक है। मोहन जो हैं ये आते हैं डीएमके से, डीएमके जो है यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी है, और चेन्नई है सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं वो भी डीएमके की हैं। ये जो इलाका है ये अन्ना नगर से एकदम सटा हुआ है, बहुत पॉश इलाका माना जाता है चेन्नई का, और यहाँ पर जो लोगों की दुविधाएं हैं, जो यहाँ पे परेशानियां हैं वो देखते बनती हैं। जब हमने इन लोगों से बात करनी शुरू करी, आखिरी बार उनको देखा गया वो तब था जब उन्होंने वोट यहाँ पे आके मांगना चाहा था। वोट के बाद जैसे ही उनको वोट मिला उसके बाद वो जो है यहाँ पर एक बार भी नहीं आए। हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे। जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ना पानी की सुविधा है, ना यहाँ पे बिजली की सुविधा है। कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे घाट के पास रहते हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे इनके साथ यहाँ पे रहते हैं। बहुत दुखद जो हमने स्थिति यहाँ पे देखी है। हम चाहेंगे जो मोहन एमएलए हैं वो सिर्फ सड़कों तक आते हैं, सड़कों से अंदर नहीं आते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है अंदर आएं, अंदर आके देखें कि इनकी व्यथा आखिर है क्या। நீங்க எத்தனை வருஷமா இங்க இருக்கீங்க? நாங்க வருவோம் சார், தோட்டம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே இருக்கோம் சார். ஓகே, சோ கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷம் இருக்கும்? நான் கல்யாணம் பண்ணி வந்த 40 வருஷம் ஆகுது சார். ஓகே, என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இங்க இருக்கு? அப்ப அன்னைக்குல இருந்து இன்னையிறது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சால்வ் ஆயிருக்கு? எதுவுமே சால்வ் ஆகல சார். அந்த நாள்லேருந்து நாள் வரைக்கும் நாங்கள் இப்படியே தான் இருக்கோம். தண்ணி வசதி கிடையாது, கரண்ட் வசதி கிடையாது, பசங்களுக்கு படிப்பு வசதி கிடையாது. ஒரு வெள்ளம் வந்து ஒரு நாலு நாளைக்கு இட்டுமே ரோட்டில் வச்சுன்னு சாப்பாடு போகிறாங்களோ அவ்வளோதான் சார், எந்த கவனிப்பும் கிடையாது. சரி, கடைசியாக நீங்கள் இங்கே உள்ள எம்எல்ஏ எப்போ பார்த்தீங்க? அதான் வெள்ளம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் சார். அவ்வளோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் ஆயிருக்கும். அவ்வளோதான், அதுக்கப்புறம் ஓகே. இங்கே வந்து மருத்துவ வசதி எல்லாம் எப்படி இருக்கு? இங்கே மருத்துவ வசதி எல்லாம் கிடையாது சார். டாக்டர்ஸ் ஒரு நாங்கள் வெளியே போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நாங்கள் காசு கொடுத்து பார்க்க தந்தால் கூட, ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி வர தந்தால் கூட இந்த ஊர் உள்ளே நாங்கள் வர முடியாதுன்றாங்க. மெயின்லேயே இறக்கிட்டு போயிடுறாங்க, அங்கேருந்து நடந்து வரோம். கரண்ட்டு? கரண்ட் இல்லை சார். தண்ணி? தண்ணியும் இல்லை சார். எங்களுக்கு கரண்ட்டு போகிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லை. 40 साल हो गए इनकी शादी होके, जब ये आई थी यहाँ पे तकरीबन अभी 55-60 साल की होंगी ये। 40 साल से इनको कोई किसी भी तरह की जो है सुविधा यहाँ पे नहीं मिली है, नहीं हासिल हुई है, ना यहाँ पे बिजली है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको अंदर और दिखाऊंगा कि आखिर ये लोग किस स्थिति में यहाँ पे रहते हैं। आप खुद देखिए, ये जो है ये घाट है, और मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि आप देखें ज़रा, ये घाट है और घाट के साथ सटा हुआ ये एक इलाका है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। यहाँ पे इनका ये कहना है कि ना यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, ना ही यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी है, ना ही यहाँ पे स्कूल जो है यहाँ पे बने हैं। यहाँ के लोगों की व्यथाएं अगर आप सुनते चले जाएं तो शायद आपके आंसू ख़त्म हो जाएंगे। ये उस स्थिति में रहते हैं। हम आपको अगले घर की तरफ ले जाना चाहेंगे जहाँ पर हम समझेंगे कि इनकी और क्या व्यथाएँ हैं। देखिए, गली जो है ये गली मुश्किल से 3 फीट की गली है। यहाँ पे एक आदमी अगर चले तो दूसरे आदमी को आने की जगह नहीं है। गलियों में जो है कभी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, बहुत कच्ची दीवारें हैं। अगर इन लोगों को देखा जाए तो, अगर इसको उखाड़े तो उखड़ जाएगी इस जो जगह है। ये एक और सिकरी सी गली, गली से हम निकलते हैं बाहर, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। किस तरह से रहते हैं हम आपको देखेंगे। एक छोटा सा घर है जिसमें ना बिजली है ना पानी। ये स्थिति है यहाँ की। वनकम्मा, நீங்க எத்தனை வருஷமா இங்க இருக்கீங்க? இங்க 40 வருஷமா பேரம்பேத்தி எல்லாம் எடுத்தனால இருந்து இதே இடத்துல தான் சார் இருக்கறாங்க. எங்களுக்கு எந்த வசதியும் கிடையாது, எங்களுக்கு எந்த ஆம்பளை திக்கியும் கிடையாது. எந்த ஒரு 2-3 வாட்டி போய் கரண்ட்டுக்கு கேட்டேன், கோவம் தோரம் இருக்கிறவங்க கொடுக்க மாட்டோம், இது கிடையாது, கரண்ட் கொடுக்க முடியாதுன்ட்டாங்க. அதனால நாங்கள் கரண்ட் இல்லாமையே இருக்கிறோம் சார். யாரும் வந்து உங்கள் பேர் பதிஞ்சாகலா, இந்த மாதிரி வீடு கொடுக்க போகிறோம், நிறைய இடத்துக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க, உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பதிஞ்சாகலா? இந்த இடத்துக்கு வரல சார். ஓகே, யாரும் உங்கள்ட்ட வந்து பணம் காசு அது மாதிரி எதுவும் கேட்டாங்களா? எதுவும் கேட்கல, அதெல்லாம் எதுவும் கேட்கல. உங்கள் பேரும் எழுதலை? உங்கள் பேரும் எழுதலை சார். இங்கே வந்து எப்படி இருக்கீங்க? எவ்வளோ குப்பை இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கே, உங்களுக்கு முடியாமலாம் வர்ற மாதிரி? வசதி இல்லாத தான் இருக்கிறோம் சார். நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? இதுலேயே தான் எனக்கு 5 பேத்திங்க இருக்காங்க, 2 பிள்ளையுமே சரி கிடையாது. நான் வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நான் நாதன கத்தாவாக இருக்கிறேன், எனக்கு வேறு யாரும் கிடையாது இந்த இடத்துல. அரசு தரப்பாக உங்களுக்கு டாக்டர் டீச்சர்ஸ் யாரும் வர்றாங்களா? இங்கேருந்து யாரும் வர்றது இல்லை சார். நாங்களாம் போனோன்னா கேஎம்சி தான் போகணும். எந்த ஸ்கூலில் நான் படிக்கிறேன்? நான் சென்னை கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். எத்தனாவது படிக்கிறேம்மா? நைன்த்து. நைன்த் படிக்கிறேன். இங்கேருந்து ஸ்கூல் எவ்வளோ தூரம்?
அண்ணாண்ட தெருவு தான் அந்த அண்ணாண்ட கரைக்கு போகணும் அம்ஜிகரை போகணும் சரி ஸ்கூலில் படிப்பெல்லாம் அங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கு கோமதி சரி நீங்க படிக்கிற போது கரண்ட் எல்லாம் போகுதா கரண்ட் எல்லாம் இல்லவே இல்லை எங்க வீட்டில் எப்படி படிக்கிறீங்க மிளகு வத்தி அது மாதிரி ஏற்றி தான் வச்சு படிப்போம் நீங்க நான் 10th போறேன் நீங்க 10th போறீங்க போர்டு எக்ஸாம்ஸ் இந்த வருஷம் எவ்வளவு நேரமா வருது கரண்ட் ஒரு நாளைக்கு அது காலையில் போயிடும் திருப்பி நைட் வந்தா வரும் இல்லைனா அதுக்கப்புறமா 2 மணி 1 மணிக்கு போயிடும் देखिए ये जो बच्ची हैं एक जो है 10वीं में पढ़ती हैं एक जो है 9वीं में पढ़ती हैं इनका ये कहना है 13 से 14 घड़े जो हैं ये रोज़ भरती हैं रात को जब बिजली जाती है तो सुबह तक बिजली नहीं आती है अगर ये पढ़ाई करें तो कैसे करें ना ही इनको समय मिलता है खुद की पढ़ाई के लिए या फिर खुद के खेलकूद के लिए खेलकूद के समय में जो है ये पानी भरती नज़र आती हैं इनकी ये जो अम्मा हैं ये जो हैं यहाँ पे कुछ 40-41 साल से यहाँ रहती हैं इन्होंने अपने पोते पोती नाते नातिन सब यहाँ पे देखे हैं इनका ये कहना है कि अभी जो है ये पूरा जो इलाका है इसको जो सरकार है यहाँ की तोड़फोड़ करने वाली है इनको अभी तक घर अलॉट नहीं किया गया ना ही यहाँ पे कोई बाबू लोग आए हैं इनका और एक कहना ये है जो बाहरी तौर पर जो भी एक पार्टी के जो लोग होते हैं कैडर्स होते हैं उनको एक एक घर में 10-10 घर अलॉट करे गए हैं लेकिन जो हकीकत में इन घरों के हकदार हैं यानी ये लोग जो हकीकत में इस तरह के नदियों के किनारे पे रहते थे जिनको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है इनको वो घर नहीं मिले हैं यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं मोहन साहब उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप जब भी यहाँ आएँ अंदर आके देखें इन लोगों की जो दुविधाएं हैं जो इनकी परेशानियां हैं इनको समझें और जो हकीकत में हकदार हैं उन घरों के जो नए घर बन के दिए जा रहे हैं उनको घर मिले ताकि इन जैसे बच्चियों की जो पढ़ाई है जो इनका भविष्य है वो सुधर सके बने रहें हमारे साथ रूस्ट न्यूज़ जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वो तमाम वीडियोज़ मिलते रहें जो सिर्फ़ और सिर्फ हम आपके लिए बनाते हैं नमस्कार